छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की पीसीसी का स्पीकअप ऑफ अभियान जो है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार की असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है। और जो टूल किट का आरोप कांग्रेस पर लगा है, उसी को चरितार्थ करते हुए कि टूल किट के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की एक कार्ययोजना बनी है। मुझे लगता है कि देश में कोरोना संक्रमण से लेकर मौत के मामले या वैक्सीनेशन के मामले की बात करें तो सबसे वर्स्ट स्थिति यदि किसी प्रदेश की रही है तो वो छत्तीसगढ़ की रही है, और उसका पूरा दोष यदि जाता है तो राज्य सरकार पर और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं पर, क्योंकि इन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, पहले लोगों को भ्रमित करके कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। आज भी छत्तीसगढ़ जूझ रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। मुझे लगता है कि इनके कैलकुलेशन भी गड़बड़ है, ये वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं, शायद ये संक्रमण के कारण कैलकुलेशन भी भूल गए। पूरे समाचार पत्रों से लेके डेटाज हैं कि दुनिया में यदि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा वैक्सीन कहीं लगे हैं वो भारत देश के अंदर में लगे हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के जो फर्जी कार्यक्रम जो कांग्रेस चलाती है, मुझे लगता है ये स्वयं एक्सपोज हो गए हैं और लोग इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए छत्तीसगढ़ के लोगों को, और ये कार्यक्रम कर केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपनी असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास कांग्रेस कर रही है।